अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गुलियन बैरे सिंड्रोम। गुलियन बैरे सिंड्रोम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी है। इन्फ्लेमेशन भी होगी, डीमाइलिनेशन भी होगी और एंटी इंडीड करेगी टूवर्ड्स पोलीन्यूरोपैथी। प्रीडोमिनेंटली जो है ये इन्वॉल्व करती है हमारी बॉडी के मोटर सिस्टम्स को, हमारे मस्कुलर सिस्टम को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करेगी और मोस्ट प्रोबेबली ये मोटर सिस्टम को इन्वॉल्व करने के साथ साथ हमारे सेंसरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेगी। इसका जो मेन हमारे पास फीचर होता है ये असेंडिंग टाइप ऑफ हमारे पास पैरालिसिस कॉज करती है, असेंडिंग टाइप ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करती है, जिसको हम असेंडिंग पोली एडिक्यूलोपैथी कहते होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या कॉज करी होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया। किस तरह ये फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करती है ये हम डिस्कस कर ले रहे हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। अब अगर हम थोड़ी सी पैथोजेनेसिस ऑफ गुलियन बैरे सिंड्रोम डिस्कस करें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमारे पास हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट प्रेजेंट करते विद एनी काइंड ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक डिजीज़ और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन, तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होते हैं वाया रेस्पायरेटरी सिस्टम से बैक्टीरिया आ जाता है ब्लड में, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ से एक कॉमन बैक्टीरिया है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, वो एंटर होता है ब्लड के अंदर। ब्लड में जब बैक्टीरिया एंटर होता है तो विद इन 2 वीक्स हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करता है और फर्दर जाके हमारे न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये प्रोसीजर हो किस तरह होता है कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है रेस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई है। अब होता है क्या, बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड होता है। ये जो लाइपोपॉलीसेक्राइड होता है ये एक करता है एज एन एंटीजन फॉर द बॉडी। अब ये जब हमारे पास लाइपोपॉलीसेक्राइड ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद विद इन 2 वीक्स हमारी बॉडी ने एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज बना ली अगेंस्ट दैट लाइपोपॉलीसेक्राइड। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास एंटीजन था ये और एंटीबॉडी मौजूद थी जो बॉडी के अंदर, इनके दरमियान क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना जो कि ऑटो इम्यूनिटी जनरेट कर रहा होता है। इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ने ये जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद है इस ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद ये जो हमारा न्यूरॉन है इसके ऊपर मौजूद है माइलिन सेल्स जो कि मिलकर बना रहे होते हैं माइलिन शीथ। इसमें होता क्या है, बेसिकली कि जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है वो वन नोड ऑफ रन वायर से नेक्स्ट नोड ऑफ रन वायर की तरफ जंप करती है, जिसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व कहते होते हैं। जब ये हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आया, इसने क्या किया, हमारे इन माइलिन सेल्स को डिस्ट्रॉय किया। ये माइलिन सेल्स जो थे इनकी डिस्ट्रक्शन करा दी। जब माइलिन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो बेसिकली ये जो नॉर्मल जंपिंग ऑफ नर्व इम्पल्स थी वो नहीं होगी, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ख़त्म होगी तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, जो गैंग्रियोसाइट से इनकी डिस्ट्रक्शन हुई माइलिन शीथ नहीं बनेगी, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है वो नहीं होगी। दैट विल लीड टूवर्ड्स द पैरास्थीसियाज, मसल वीकनेस, मोटर सिस्टम लॉस और सेंसरी सिस्टम लॉस, और जो हमारी बॉडी है वो प्रोसीड करेगी टूवर्ड्स द फ्लैसिड पैरालिसिस। यहाँ पर हमने यही बता दिया कि जो हमारे पास गुलियन बैरे सिंड्रोम है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो जाती है, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, गैंग्लियोसाइट्स और माइलिन सेल्स के ऊपर एक्ट करती है, उनको उनकी डिस्ट्रक्शन कॉज कराती है। डिस्ट्रक्शन कॉज कराने की वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं होता और जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या अपेयर होते हैं। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करें तो इससे पहले हमने बताया कि जो हमारे गुलियन बैरे सिंड्रोम है ये बेसिकली असेंडिंग पैरालिसिस है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे लोअर लिम से स्टार्ट होता है और मूव ऑन करता है टूवर्ड्स द अपर लिम। क्या होता है कि हमारे लोअर लिम से स्टार्ट करता है, मूव करता है अपर लिम के अंदर, प्रोग्रेसिव रैपिड असेंडिंग पैरालिसिस होती है। मसल वीकनेस स्टार्ट होती है जो पहले लोअर लिम से स्टार्ट होती है, देन मूव ऑन करती है टूवर्ड्स द अपर लिम, और ये मोर मार्क्ड होती है अप्रॉक्सिमली देन डिस्टली। इसके अलावा क्या होगा, पैरास्थीसिया, सबसे पहले जो पेशेंट है वो उसको जो है ना पिन प्रिक टाइप सिचुएशन होगी, नीडल प्रिक टाइप सिचुएशन होगी जो कि लीड करेगी विद द वीकनेस ऑफ मसल्स। वीकनेस ऑफ मसल के साथ साथ क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पैरालिसिस होने लग जाएगा।
ये मूव ऑन करेगी टूवर्ड्स द अपर लिम। अपर लिम के तरफ ये जब मूव करेगी तो दरमियान में हमारे पास मौजूद है रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम, जिस पे डिपेंड करता है वो है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंस्पिरेशन। जब ये बैक्टीरिया डायाफ्राम पे एक्ट करेगा, डायाफ्राम की पैरालिसिस कॉज करा देगा, तो हमारे पास स्वेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करेगा विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इमरजेंसी रूम। अब ये जो हमने बात कही कि असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है, डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अपर लिम इन्वॉल्व हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ये सारी गुलियन बैरे सिंड्रोम के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये फॉलो करें एक ट्राई एड, उस ट्राई एड में क्या होगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाए, एटैक्सिया हो जाए, ए रिफ्लेक्सिया हो जाए, तो हम इसको रेफर करेंगे एज मिलर फिशर सिंड्रोम। इसको हम क्या रेफर करेंगे, एज मिलर फिशर सिंड्रोम। अब हमने ये बता दिया कि असेंडिंग पैरालिसिस हो गया, डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट हो गई, डिस्टल पैरास्थीजियाज हो गए, लिम पेन हो गया। अब हमने ये देखना है कि हम ये सब कुछ तो हमें मिल रहा है ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, लेकिन जब हम ऐसे कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएं कि हमारा डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाए, तो इसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन। While discussing investigation, the most important investigation we are going to perform in case of GBS is CSF examination. CSF examination में हमें मिलता क्या है, ये हमारे पास best investigation होती है। इसमें basically हमारे पास एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलती है। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन को आप किस तरह जो है एक्सप्लेन करते हैं, इसमें बेसिकली ये होता है जो CSF के अंदर नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन होती है उससे ज़्यादा हो जाती है प्रोटीन की कंसनट्रेशन, और जो नॉर्मल सेल काउंट होता है CSF के अंदर वो नॉर्मल रहता है। अब ये जो हम बता रहे हैं कि CSF का प्रोटीन वो रेज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमने बताया था कि बेसिकली जो हमारा ये न्यूरॉन था, न्यूरॉन के ऊपर मौजूद थे माइलिन सेल्स, ठीक है। माइलिन सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जब ये माइलिन सेल्स की ब्रेक डाउन हुई, हमने बताया कि जो ऑटो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज आए, उन्होंने क्या किया, इस माइलिन को डिस्ट्रॉय किया। जब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो बेसिकली ये क्या रिलीज कर, जो माइलिन है वो टूटेगा और रिलीज करेगा प्रोटीन्स। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली क्या करें, CSF के अंदर प्रोटीन का लेवल रेज करें, ठीक है। अब प्रोटीन का लेवल रेज हो रहा है, WBCs का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो WBCs रिमेन रहेंगे नॉर्मल। तो जो हम कह रहे हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, उसमें बेसिकली है कि जो CSF के अंदर प्रोटीन का लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो सेल काउंट है वो रिमेन सेम है। लेकिन ए टेस्ट जो है हमारी, हम कब इसकी इंडिकेशन कब हो सकती है, जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो एटलीस्ट हमें वेट करना पड़ेगा 2 डेज का, 72 आवर्स का या 48 आवर्स का, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ये ब्रेकडाउन प्रोसेस है, प्रोटीन की प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होने का जो प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो हम लेते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट, वो हमारे पास नर्व कंडक्शन वेलोसिटी होती है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि लाइक हम ये एक न्यूरॉन है, एक इसका हम पॉइंट, दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, एक ये है पॉइंट ए, ये हमारे पास है पॉइंट बी। हमने यहाँ पे नीडल प्रेक किया, यहाँ पे नीडल प्रेक किया, अब हमने इस एरिया को, ए पार्ट को स्टिमुलेट किया, और हमने नोट कर लिया कि ये कंडक्शन यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में, ए से लेकर बी तक कितनी देर में पहुँचती है। अगर इसका नॉर्मल टाइम डिलेड है, यानी कि हमारे पास नर्व कंडक्शन डिलेड है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पेशेंट है वो, उसकी जो सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है वो इम्पेयर्ड है, एंड ही इज़ अ विक्टिम ऑफ GBS। इसके अलावा हम कौन से टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, हमने बताया कि जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है, तो हम तमाम के तमाम जो लंग फंक्शन टेस्ट हैं वो करवा लेंगे। इसके अंदर हम FVC चेक करेंगे, इंस्पिरेटरी पीक प्रेशर चेक करेंगे। इंस्पिरेटरी पीक प्रेशर क्यों चेक करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो डायफ्राम है वो हमारी इंस्पिरेशन में, एक्टिव प्रोसेस में मेन की रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें लंग फंक्शन टेस्ट में इंस्पिरेटरी पीक प्रेशर चेक करना है। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट के जरिए एंटी गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक कर सकते हैं, जो कि मौजूद होंगे ब्लड के अंदर, बिकॉज जो हमारा, हमने बताया कि ऑटो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो माइलिन सेल्स पे एक्ट कर रहा है, गैंग्लियोसाइट्स पे या माइलिन सेल्स पे एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एंटी गैंग्लियोसाइट एंटीबॉडी का लेवल भी रेज्ड होगा। अब अगर हम बात कर लें कि CSF के अंदर नॉर्मल प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो बेसिकली CSF के अंदर नॉर्मल प्रोटीन की कंसंट्रेशन 15-60 mg/dL होती है। और अगर हम यहीं पे बात कर लें कि CSF के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है, तो ये बेसिकली 45-80 mg/dL होता है। दीज आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन केस ऑफ डायग्नोसिस। मैनेजमेंट की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम एक दफ़ा अपने पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया कि जो गुलियन बैरे सिंड्रोम है, GBS है, वो बेसिकली एक असेंडिंग पैरालिसिस है, वो लोअर लिम से स्टार्ट होगा और प्रोग्रेस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारा जो है एक्टिव इंस्पिरेटरी
जो फेज़ होता है उसमें इन्वॉल्व होने वाला जो मेन मसल है डायफ्राम, उसको इन्वॉल्व करेगा। और डायफ्राम इन्वॉल्व होता है किस में? एक्टिव फेज़ ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। और अगर इसका पैरालिसिस हो जाएगा दैट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की हमने बात की कि अगर हमारे पास एनी काइंड ऑफ कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो, ये दो वाहिद ऐसे हमारे पास अपने इन्फेक्शंस हैं जो कि लीड करेंगे टूवर्ड्स द GBS, क्योंकि इनमें मौजूद होता है एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दैट इज़ कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे पास भी इन्वेट कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इसके अगेंस्ट और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इन्वेट कर जाते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज होती हैं जिनमें GBS होने के चांस होते हैं? HIV, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस और आफ्टर वैक्सीनेशन। यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है, जब GBS की हम बात करते हैं सेनिक पैरालिसिस होता है लेकिन ये ब्लैडर को इन्वॉल्व नहीं करता। वाइल डिस्कसिंग द मैनेजमेंट ऑफ GBS हमने बताया कि जो हमारा GBS का पेशेंट है वो मोस्टली प्रेजेंट करेगा इन इमरजेंसी रूम। तो इमरजेंसी रूम में हमारा मेन प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने बताया कि उसे कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई भी होगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो हम सबसे पहले अपना जनरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जनरल ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और हम मूव करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ। जनरल ट्रीटमेंट में हम ABC मेंटेन करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वी कैन डू वो ये है कि हम इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे दें या फिर हम प्लाज्मा रिप्लेस कर दें, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी कर दें। ये दोनों प्रोसीजर्स हम एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एट अ टाइम परफॉर्म करेंगे तो इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एट अ टाइम हम इनमें से कोई एक परफॉर्म करें। लेकिन अगर हमारे पास डिजीज़ की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो हम ये दोनों एक साथ प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि क्या हो रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है, तो फ्लैसिड पैरालिसिस को डील आउट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। सो GBS इज़ बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। सो वाइल डिस्कसिंग GBS हमने बता दिया कि इसमें असेंडिंग पैरालिसिस है, लोअर लिम से स्टार्ट होगा अपर लिम की तरफ जाएगा। डायग्नोस्टिक पॉइंट में हमने बता दिया इमरजेंसी रूम में ये प्रेजेंट करेगा, डीमायलिनेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में CSF की एग्जामिनेशन हमने करा ली और हमने क्या देख लिया, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी देख ली। अब हम एक थोड़े से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करके अपने डायग्नोसिस को कन्फर्म कर लेते हैं। Now, a 20-year-old girl presented to emergency room with progressive weakness in both upper lower limbs for last 1 week and difficulty in breathing for the last 24 hours. On examination, patient was fully conscious with motor weakness of 2/5, यानी कि अब जो motor system उसका involved है, हमने बताया upper और lower limbs दोनों involved है, motor system में उसकी weakness आ रही 2/5 के बजाय कितनी है 2.2/5 है, यानी कि वीक है इन द लिम्स। देयर वॉज एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन एंड एब्सेंट टेंडन जर्क्स इन द लिम्स। हर ऑक्सीजन सेचुरेशन वॉज 80% ऑन रूम एयर। वट इज़ द मोस्टली डायग्नोसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पॉइंट आउट वट आर द बेसिकली की फीचर्स दैट आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स आर डायग्नोसिस। द पॉइंट्स विच वी हैव हाईलाइटेड आर बेसिकली द डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, इमरजेंसी रूम, प्रोग्रेसिव वीकनेस इन द लिम्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मोटर वीकनेस एंड एब्सेंट टेंडन जर्क रिफ्लेक्सेस, दे ऑल मेंशन टूवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ GBS। सो होप सो यू हैव क्लियर्ड विद दिस टॉपिक। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।